मूवी के यू एंड मी। स्टार्टिंग में ही हमें कुछ लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि एक पार्टी से लौटकर वापस आ रही होती है। सारी लड़कियां घर को चली जाती है, लेकिन एक लड़की को अभी टैक्सी नहीं मिलती है, इसलिए वो घर नहीं जा पाती है। उसके बाद एक लड़का प्रैंक दिखाया जाता है जो कि मैनियक होता है। इट मीन्स कि उसको एक बीमारी होती है जिसमें लोग साइको या पागल कह सकते हो वो होते हैं। उसके बाद लड़की को टैक्सी ना मिलने के कारण वो पैदल को निकल जाती है और प्रैंक उसका पीछा कर रहा होता है। उसके बाद फिर वो जैसे ही वो अपने घर को पहुँचती है वहाँ से गाड़ी घुमा लेते हैं और कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा एड्रेस मिल चुका है। और उसके घर पहुँचने से पहले ही वहाँ पर जाके उसकी लाइट काट देता है। उसके बाद फिर जैसे ही वो लड़की पूरा अंधेरा हो जाता है, उसके बाद जाने की कोशिश करती है अपने घर में, तभी उस लड़के लड़के पे इसकी नज़र पड़ती है। और लड़के पे नज़र पड़ने के बाद ये बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उतने में ही उसके मुंह में चाकू घुस के और प्रैंक उसके बाल को निकाल लेता है स्किन के साथ ही। इसका मतलब है कि उसको एक बीमारी होती है जिससे कि वो मर्डर करता है और लड़कियों को बाल को निकाल के वो पुतला बनाया होता है, जैसे कि पुतला को जिंदा कर रहा होता है। मतलब पुतला इस तरीके का बनाता है बनाया होता है जैसे कि वो पुतला अब बोलने लग जाएगी। और फिर उससे जो बाल लाता था उस बाल को उसी पुतले पे लगाता था और उसे ये सब करके बहुत अच्छा लगता था। मतलब वो उसको एक बीमारी होती है जिससे कि वो ये इस टाइप का काम करता था। और फिर एक दिन एक लड़की से वो बात करना शुरू कर देता है ऑनलाइन चैटिंग में, और फिर वो लोग मिलने के लिए सोचते हैं और दोनों मिलने वाले होते हैं। दोनों नाइट क्लब में एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और वो दोनों बातें वातें करने लग जाते हैं। इस लड़के का नाम लूसी होता है और लूसी प्रैंक से पूछती है कि क्या तुम मैरिड हो। उसी पे जवाब देता है कि नहीं, मैं मैरिड नहीं हूँ, ना ही मेरी कोई फ्रेंड है। उसके बाद प्रैंक को कुछ होने लग जाता है और उसे ऐसा लगता है कि लूसी के सर से खून निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर का जानवर जाग गया है और उसे ऐसा भी लगता है कि उसे सारे लोग घूर रहे होते हैं और उसके सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। ये सब देख के वो बाथरूम में जाता है और अपनी मेडिसिन लेता है। मेडिसिन लेने के बाद फिर वो थोड़ा कंफर्टेबल होता है और उसे अच्छा लगने लगता है। उसके बाद फिर से वो वहाँ जाता है और लूसी को अपने घर ले जाता है। लूसी उससे बातें करने लगती है, उसके बाद लूसी को मारने लग जाता है। उसके बाद लूसी को गर्दन दबा के मार देता है और फिर उसके पिंक्स निकाल लेता है। और निकालने के बाद फिर वो अपने पुतले में उस पिंक्स को जोड़ देता है और उसे ऐसा लगता है कि वो लूसी बैठी हुई है। इसका मतलब वो जो भी पिंक्स लगाता है उसके बाद उसमें वो इंसान को देखने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि वो जो पुतला है वो जिंदा हो गया है और पुतला चल बोल सकता है। उसके बाद फिर ये सब करके उसे अच्छा नहीं लगता है, प्रैंक को बहुत बुरा लगता है और प्रैंक ये सब कभी नहीं करना चाहता है और खुद को मारने लगता है और आईने को तोड़ देता है। लेकिन उसकी उसको याद आता है एक सीन जो कि वो अपने माँ के बाल बनाते होता है और वो उनसे बहुत प्यार करता है, उसकी माँ भी उसे बहुत प्यार करती है। और ये सब सोचकर वो बहुत उदास हो जाता है और रोने लग जाता है। इसका मतलब है कि वो अपनी माँ को बहुत याद करता है। इस सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि उसके मैनिक्विंस की फ़ोटो लेती होती है और उसके बाद फिर वो प्रैंक उसे बोलता है कि अब कौन हो तुम, तो वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, बोलती है मैं एनी हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे तुम्हारा ये चारा बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं तुम्हारे इस फ़ोटो को लेना चाहती हूँ। तभी प्रैंक उसे अंदर बुलाता है और अंदर के सारे मैनिक्विंस को दिखाता है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है। और तभी प्रैंक बताता है कि उसे ये सब बनाना बहुत पसंद है और वो इसे इसलिए बनाता है क्योंकि उसका फैमिली बिजनेस भी है। ये सब देख के वो बहुत इंप्रेस हो जाती है और प्रैंक को अपना नंबर दे देती है एक कार्ड में लिख के और कहती है कि मैं कभी भी आऊँगी और फ़ोटो लेके जाऊँगी और अपने कभी भी ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें कॉल करूँगी और तुम मुझे कॉल करना। उसके बाद प्रैंक को वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगती है और वो फिर प्रैंक बाहर निकलता है और उसकी नज़र बहुत सारी लड़कियों पर पड़ती है लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आ रही थी। फिर उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है जो कि एक डांसर होती है और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी होती है और उसके बाल भी बहुत खूबसूरत होते हैं। यह सब देख के वो समझ गया था कि उसी को अगला टारगेट बनाना है। वो लड़की भी उसके एहसास हो रहा था उसे कि ये मेरा पीछा कर रहा है। उसके बाद वो ट्रेन से निकल के वो भागने की कोशिश करती है, फिर वो बहुत भागने की कोशिश करती है और प्रैंक उसका पीछा करते रहता है। वो अपने आप को बचाने के लिए भाग जाती है और जैसे ही भागती होती है तो प्रैंक उसके पैर पे अटैक कर देता है और उसके पैर को ही काट देता है। उसके बाद वो लड़की वहाँ पे उस लड़की को मार देता है और उसके बाल बहुत बार अटैक करता है जिससे कि वो लड़की ऑन द स्पॉट मर जाती है। उसके बाल निकाल के फिर वहाँ अपने पुतले में लगा देती है और फिर अगले ही दिन वो एनी वहाँ आती है और उसके फ़ोटोज़ को खींचती है।
और उसकी हेल्प भी करती है, जिससे कि प्रैंक को बहुत अच्छा लगता है और वो उसके साथ घूमने जाती है और उसे बहुत अच्छा लगता है उसके साथ रहना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसे लाइक करने लग जाता है। इतने में ही उसे माइग्रेन अटैक हो जाता है, जिससे कि यानी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊँगा। उसके बाद फिर वो भाग के डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे मेडिसिन देता है, जिससे कि वो फिर नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद फिर अगले ही पन हमें दिखाया जाता है कि वो अपने पुतलों के साथ होता है और सेट कर रहा होता है बालों को, और तभी न्यूज़ दिखाया जाता है कि बहुत सारी लड़कियां मर रही हैं। और उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो अपने माँ को याद करता होता है, जिससे कि उसकी माँ प्रोस्टिट्यूट बन जाती है और उसके पापा के जाने के बाद, और उसके सामने में ये सब करती है, जिससे कि उसके दिमाग पर, इसका मतलब है प्रैंक के इस हालत की वजह उसकी माँ होती है, और बहुत उदास हो जाता है और उसको एनी की याद आने लगती है और वह एनी के पास जाने को उसका दिल करने लगता है। तभी वो एनी को कॉल करता है और एनी को देखने जाता है। एनी के घर के सामने से वो कॉल करता है, उसे एनी कहती है कि कल फ्री हूँ, कल मूवी देखने चलते हैं। उसके बाद फिर वो डिसाइड करते हैं कि कल उसे मूवी देखना है, और फिर वो दोनों बैठ के हॉल में मूवी देखने लगते हैं। लेकिन प्रैंक की नज़र एनी पर होती है, एनी कहती है कि तुम मुझे क्या देख रहे हो, मूवी पे ध्यान दो। और उसके बाद फिर प्रैंक मूवी देखने लगता है और तब भी वो एनी को ही घूर रहा होता है। उसके बाद फिर प्रैंक उसे पूछता है कि तुम्हें मूवी कैसी लगी, एनी बोलती है बहुत अच्छी मूवी थी। और उसके बाद फिर उसका किसी का कॉल आता है, जैसे कि प्रैंक पूछता है किसका कॉल था, तो वो उसका बॉयफ्रेंड का नाम लेती है, और प्रैंक को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका बॉयफ्रेंड हो। और उसके बाद फिर वो बोलती है कि चलो मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती हूँ, लेकिन वो मना कर देता है। उस ये सुन के एनी वहाँ से चली जाती है, उसे बाय बोल। फिर अगले दिन प्रैंक एना की एग्जीबिशन में जाता है और एना उसे देख के बहुत खुश होती है। उसी टाइम प्रैंक उसके बॉयफ्रेंड से मिलता है। फिर एना का बॉयफ्रेंड जो कि वॉशरूम तक जाता है और उसके पीछे पीछे प्रैंक भी जाता है, और फिर उसका बॉयफ्रेंड प्रैंक को देखता है और कहता है कि मुझे पता है तुम एना के फ्रेंड हो, और उसका कुछ मजाक बनाता है। मजाक बनाने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और प्रैंक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने आईने में अपने आप को देखता है। अगले ही पल फिर प्रैंक रीता से मिलता है, जो कि एनी की मेंटोर होती है। उसके बाद वो उसे कहती है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं तुमसे काफ़ी इम्प्रेस हूँ। और लेकिन प्रैंक को उसके बाल और उसके फेस पे ही नज़र थी, इसका मतलब कि अगला टारगेट जो है वो है रीता। और उसके बाद फिर वो उसके रूम में जैसे तैसे पहुंच जाता है, और उसके बाद फिर जैसे ही रीटा को ऐसा लगता है कि वहाँ कोई है, वो अपने आंखों से पट्टी हटाती है, तभी देखती है प्रैंक को। वो उसका मुंह दबा के उसे दबाने की कोशिश करती है, जिससे कि रीटा को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और वो बेहोश हो जाती है। और अगले ही पर जैसे ही होश में पाती है तो अपने सामने प्रैंक को पाती है। प्रैंक को कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी प्रैंक उसके पास होता है और कहता है कि तुम मेरी माँ हो, तुम भी उसी तरह से हो, तुम मुझे धोखा दे रही हो और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें मार दूंगा। इसका मतलब ये है कि उसे सब में उसकी माँ नज़र आती है, जिसका उसने मर्डर किया है, इसका मतलब उसके उन सब लड़कियों में उसको उसकी माँ नज़र आती है और इसलिए वो उसे मारता है। उसके बाद अगले ही पर रीता को वो और रीटा के स्कैल्प निकाल कर वो उसे मार देता है। उसके बाद फिर उसे एनी कॉल करती है और कहती है कि उसकी मैन डॉग मर चुकी है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। ये सुनकर प्रैंक कहता है कि मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और जैसे ही प्रैंक वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि एक लड़का है, तो वो उससे पूछता है कि ये कौन है। तभी एनी कहती है कि वो उसका पड़ोसी है। और फिर प्रैंक पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है। वो बताती है कि जैसे ही उसे पता लगा कि रीता के केस में पुलिस उसे पूछताछ कर रही है, तो उसने उसका साथ छोड़ दिया और मैंने उसे ब्रेकअप कर लिया। और फिर वो उदास होकर रोने लगती है और कहती है कि काश मैं कल उसके रीता के साथ होती तो शायद वो जिंदा होती आज, वो ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है। तभी प्रैंक कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, तुम अपने आप को जिम्मेदार मत बोलो, और उसे सहलाने लगता है और उसका मसाज करने लगता है। तभी वो कुछ ऐसी बातें बोल देता है जिससे कि सिर्फ और सिर्फ मर्डर को ही ये बातें पता होती हैं। वो कुछ ऐसी बातें रिवील कर देता है। उसके बाद एनी को उस पर शक हो जाता है और वो कहती है तुम्हें ये सब कैसे पता, और वो फिर उसे समझाने लगता है और वो चाकू लेके उसे मारने लगती है और कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूँगी, मुझे पता चल गया है कि तुम ही मर्डर हो।
उसके बाद फिर उसे चाकू मारने लगती है और उसे चाकू मार देती है उसके हाथ में और फिर गेट को बंद कर लेती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के वो पड़ोसी को आवाज़ लगाने लगती है। उसके बाद उसका पड़ोसी आता है लेकिन वो चाकू मार देता है फ्रैंक उसके ही मुँह में। फ्रैंक एनी से गेट खोलने को कहता है नहीं तो वो दरवाज़ा तोड़ देगा। उतने में उसका पड़ोसी उठता है और उसे मार देता है लेकिन फ्रैंक को बहुत गुस्सा आता है और उसे उस पड़ोसी को मार देता है वहीं पे। उसके बाद फिर वो गेट तोड़ता है और एनी को किडनैप करके वहाँ से लेके चला जाता है और वो अपने घर को लेके जाता है। और जैसे ही एनी को होश आता है तो एनी उस एक हाथ से उसे मार देती है और मारने के बाद फिर वहाँ से भागने की कोशिश करती है और एक कार वाले को वहाँ पर रोकती है और कार में बैठ के वहाँ जाने लगती है। और जैसे ही जाने लगती है वो वहाँ सामने आ जाता है, उसे धक्का लग जाता है और वो लड़का उधर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है आगे जाते ही। उसके बाद फिर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुके होते हैं। तभी एनी पे प्रैंक की नज़र पड़ती है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब अधमरू हो चुकी है, उस कुछ देर में अब मरने वाली है ऐसा लग रहा है। उसके बाद प्रैंक उसे कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और उसके भी विंग्स निकालने लगता है। वो उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता है और वो विंग्स लेके वहाँ से चला जाता है और फिर वो एक पुतले में उसके बाल को लगाता है और उसे ऐसा लगता है कि एनी वहाँ है और उसको शादी के जोड़े में तैयार करता है और उसके साथ शादी भी करता है। उसके बाद फिर उसे ऐसा हेलुसिनेशन होता है कि जैसे कि सारे लोग जिंदा होके और उसका मजाक बना रहे हैं और उसके बाद फिर उसका मुंह निकाल लेते हैं। ये सब उसको हेलुसिनेशन होता है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे पुलिस की टीम पहुँचती है तो वहाँ देखती है कि फ्रैंक मर चुका है। इसका मतलब ये है कि उसे हेलुसिनेशन जो हुआ था ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो उसने खुद को ही मार लिया था। इसका मतलब जो हमें पिछले सीन में दिखाया गया था कि उसे सारे लड़कियाँ मिल के उसका स्किन निकाल रहे हैं, वो खुद से ही स्किन निकाल रहा था। तो ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप अगर देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं और अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। बाय।